Assalamu alaikum students. I hope you are fine. I am from ISES school system online learning. Let me briefly introduce myself. My name is Mr. Neela. I am your computer teacher. I am glad to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding computer science. Class 8 computer lecture number 1. We are on lecture number 1. यू नंबर वन है इंट्रोडक्शन टू अ कंप्यूटर नेटवर्क. अबाउट प्रीवियस लेक्चर बुक रीडिंग, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बुक रीडिंग की थी. वी सी ऑन पेज नंबर 12 यहाँ तक बुक रीडिंग की थी. मोडेम है, मोडेम की बहुत सारी टाइप की एक्सप्लेनेशन की थी और उसकी फर्दर मतलब डिवाइस के बारे में पढ़ा था, जो वायरलेस मोडेम होती है और भी हमारे दूसरे मोडेम्स वगैरह होती है. अब हम लोगों का टॉपिक है और आप लोगों को क्लास वर्क भी कराया था साथ साथ. नाउ योर लेक्चर टुडे अबाउट टुडे लेक्चर नंबर 3 बुक रीडिंग पेज नंबर 12 पी सी ऑन पेज नंबर 12 उसके नीचे से. अब हम लोगों ने यहाँ तक रीडिंग कर ली है तो अब हम उसके नीचे से ही करेंगे. द सेंडिंग डिवाइस, सेंडिंग डिवाइस क्या होती है? यू सी ऑन पेज नंबर 12 2.4 द सेंडिंग डिवाइस. दिस आर द डिवाइस विच कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर. ये हमारे पास डिवाइस होती है जो कलेक्ट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से करती है टू ट्रांसमिट इट टू अनदर कंप्यूटर और ट्रांसमिट करती है टू अनदर कंप्यूटर और सोर्स ऑन अ इंटरनेट और सोर्स ऑन अ नेटवर्क और नेटवर्क में रिसोर्स करती है. द सेंडिंग डिवाइस में इंक्लूड अ कंप्यूटर टेलीफोन, टेलीफोन भी कह सकते हैं और वीडियो कैमरा भी कह सकते हैं. द सेंडिंग डिवाइस इज ऑल्सो द ट्रांसमीटर और अ सोर्स. ये हमारे पास ट्रांसमीटर होते हैं, सोर्स होते हैं. सेंडिंग डिवाइस जो हम लोग चीज़ें जिस डिवाइस से हम लोग भेज सकते हैं. टेलीफोन है, टेलीफोन है. अब ना टेलीफोन से भी हम लोग जो डेटा है वो हम लोग सेंड करते हैं, मतलब हम लोग बोल के सारा डेटा भेजते हैं. इस तरह वीडियो कैमरा, वीडियो कैमरा स्काइप कॉलिंग होती है उसमें सेंडिंग डिवाइस है, वो भी हमारे पास सेंडिंग डिवाइस होती है. जैसे वेब कैम वगैरह है, ये हमारे पास है कि जो हम लोग कलेक्ट सेंडिंग डिवाइस बेसिकली होती क्या है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कंप्यूटर से और ट्रांसमिट करती है अनदर कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट करती है और एक और एक नेटवर्क का जरिया है. और इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन आ गई और ये इसकी एग्जांपल आ गई. सेंडिंग डिवाइसेस आल्सो कॉल्ड द ट्रांसमीटर और द सोर्स. इसको हम लोग ट्रांसमीटर भी कहते हैं कि ये हम लोग डिवाइस मतलब सेंडिंग डिवाइस जो है उसको ट्रांसमीटर भी हम कह सकते हैं और सोर्स है, मतलब एक रिसोर्स है हमारे पास. आगे है द रिसीविंग डिवाइस. अब द रिसीविंग डिवाइस इट इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव द डेटा. अब ना हम लोगों ने मतलब ना डेटा सेंड तो कर लिया, जैसे कोई हमारे पास बात है वगैरह वो टेलीफोन से सेंड कर ली, वीडियो कैमरा वो कर. अब वो जो रिसीविंग डिवाइस है ना वो क्या होती है, ये आगे इन लोगों के टाइम पर रिसीविंग डिवाइस जो है वो ट्रांसमिट द सेंडिंग डिवाइस, वो जो सेंडिंग डिवाइस से जो चीज़ आती है ना उसको रिसीव करती है. रिसीविंग डिवाइस इंक्लूड कंप्यूटर ऑन द वर्क स्टेशन, उसे कंप्यूटर के अंदर वर्क स्टेशन भी कह, मतलब वर्क स्टेशन में उसके टेलीफोन भी कह सकते, टेलीविज़न भी. टेलीविज़न से मतलब हम लोग रिसीव कर रहे हैं. सीट कैसे कर रहे हैं, हम लोग उसको कोई आउटपुट तो नहीं दे रहे ना, कोई चीज़ तो भेज नहीं रहे, सिर्फ हम देख रहे हैं वहाँ से जो चीज़ें आ रही है वो हम रिसीव कर रहे हैं माइंड में. और इस तरह द रिसीविंग डिवाइस इज ऑल्सो द सेंड और रिसीवर, उसे हम रिसीवर भी कह सकते हैं. जैसे सेंडिंग डिवाइस को हम ट्रांसमीटर कहते हैं और सेंड. ये हमारे पास जो सोर्स होता है वो हमारे पास भेजने को कहते हैं और सेंड मतलब लेने को कहते हैं. सोर्स और सेंड भी आपने पढ़ा होगा. रिसीव और सेंडर, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये हमारे पास एक रिसीविंग डिवाइस है, एक ट्रांसमीटर, एक हमारे पास सेंडिंग डिवाइस है. रिसीविंग डिवाइस जो होती है जो चीज़ रिसीव करती है, और टेलीफोन भी, टेलीफोन है वो हमारे पास सेंडिंग डिवाइस भी है और रिसीव डिवाइस भी, मतलब एक एक तरफ एक बंदा है वो बात कर रहा है, दूसरी तरफ एक बंदा वो बात कर रहा है. तो एक बंदा रिसीव भी कर रहा है साथ सेंड भी कर रहा है, अपनी बात भी कर रहा है साथ दूसरी बात मतलब रिसीव भी कर रहा है. इस तरह ये दोनों डिवाइस है. तब इन्होंने ये टेलीफोन दो दफ़ा लिखा, एक इधर भी लिखा उधर भी लिखा, क्योंकि वो रिसीविंग डिवाइस है और सेंडिंग भी डिवाइस है. नोट ऑन ऑन पेज पेज नंबर 13. अब हमारे पास
Mission device, transmission device. These are the devices that convert data in the form that are traveled through the transmission medium and can be received by the receiver device. These receive include modem and network interface card. मतलब ना जो हमारे पास transmission device जो होती है ना वो हमारे पास convert करती है data को और डेट कैन ट्रेवल टू द ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन मीडियम में जाती है और फिर इस तरह रिसीव करती है और रिसीविंग डिवाइस से रिसीव करती है डेटा रिसीव करती है ट्रांसमिशन डिवाइस. ये आगे इन्होंने ट्रांसमिशन डिवाइस भी बताई है. ये हमारे पास मोडेम है और आगे इसमें तार लगाई है मतलब ना केबल लगाई हुई है. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स भी होते हैं वो भी हमारे पास ट्रांसमिशन डिवाइस होते हैं. ये जो पीछे पड़ा भी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में ब्रीफ एक्सप्रेशन. मोडेम वगैरह ये भी हमारे पास ट्रांसमिशन डिवाइस है मतलब ट्रांसमिट करती है. अब इन्होंने आगे ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में बताया वो क्या होती है. द मीडियम ऑन विच डेटा ट्रैवल फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड. जो जो डेटा ट्रैवल पहले डेटा ट्रैवल था ट्रांसमिशन मीडियम में था. ट्रांसमिशन मीडियम होता क्या है वो हमारे पास डेटा जो है ट्रैवल करते कम्युनिकेशन में. कम्युनिकेशन मीडियम डेटा में ट्रैवल ऑन और कैपेबल आर थ्रू आउट वायरलेस मेथड. ये हमारे पास वायरलेस मेथड डेटा डेटा हमारे पास कम्युनिकेट करते हैं. डेटा डेटा ट्रैवल करके कम्युनिकेट करता है मतलब ना अब हमारे पास कंप्यूटर है उसके अंदर हम डेटा है. अब हमारे पास वायरलेस नहीं है. अब हमारे पास ये मोडेम लगा हुआ है. ये हमारे पास डीएसएल लगा हुआ है तो इससे हमारे पास मतलब इंटरनेट है कंप्यूटर के अंदर. तो इससे हम लोग जैसे हम लोग एक दूसरे से दूसरी चीज़ कुछ भी भेज सकते हैं. कुछ भी चीज़ भेजने के बहुत सारा तरीका होता है. हम लोग मतलब ना जी मेल से भेज सकते हैं. हम लोग मेल में अकाउंट होता है तो हम लोग जी मेल कर सकते हैं. हम लोग मेल वगैरह करके भेज सकते हैं डेटा वगैरह और बहुत सारे तरीके होते हैं. फेसबुक ऐप फेसबुक वगैरह से भेज सकते हैं. ये हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम होता है जो हमारे पास कम्युनिकेट करता है एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है. ये हमारे पास डिवाइसेस थी. ये हमारे पास चीज़ें थी जिससे हमारा मीडियम कम्युनिकेट करता है. फिर आगे ये ट्रांसमिशन नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे. इसमें कंप्यूटर जो आपस में नेटवर्किंग कनेक्ट होते हैं. एक एक नेटवर्क एक मतलब एक कंप्यूटर से तो ही बनता ना. बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं फिर बहुत सारी चीज़ें होती है फिर उससे मतलब ना डेटा जाता है. फिर सारे एक कंप्यूटर में काम करते हैं सारे कंप्यूटर उससे कनेक्ट होते हैं. और फिर फर्दर इसके रिलेशन आगे है. आगे हमारा नेटवर्क रिलेशनशिप. अब आगे नेटवर्क रिलेशनशिप क्या है. नेटवर्क आर आल्सो कंसीडरेबल इंटर्न इन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क रिलेशनशिप फॉर दोस मशीन टुगेदर. मतलब नेटवर्क क्या है. जो कंप्यूटर है उसके अंदर नेटवर्क सिस्टम हो स्टैंड लोन कंप्यूटर. आगे इन्होंने कहा है मतलब ना नेटवर्क भी हो और कंप्यूटर वो दोनों मशीन जो है कम्बाइंड टुगेदर हो. मतलब कंप्यूटर है उसके ऊपर नेटवर्क भी लगा हो इंटरनेट वगैरह भी लगा हो तो वो हमारे पास नेटवर्क रिलेशनशिप है. कंप्यूटर का नेटवर्क के साथ इंटरनेट के साथ स्टैंड लोन कंप्यूटर. ये हमारे पास वही कंप्यूटर है LCD है साथ हमारे पास कीबोर्ड माउस और ये CPU है. अ कंप्यूटर टोटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम अदर डिवाइसेस इज टिपिकली रेफरेंस टू अ स्टैंड अलोंग मशीन. इसे हम स्टैंड अलोंग मशीन कह रहे हैं. वो हमारे पास टोटली डिसकनेक्टेड होते हैं फ्रॉम द अदर डिवाइस. मतलब अदर डिवाइस डिसकनेक्टेड होते हैं. आगे इन्होंने आगे स्टैंड अलोंग कंप्यूटर की फिगर ही बनाई है कि स्टैंड अलोंग कंप्यूटर सिंपल कंप्यूटर ही है. आगे है प्लीज़ टर्न ऑन योर पेज नंबर 14. आगे इसकी एक और है पीर टू पीर नेटवर्क. ये अब है व्हेन सर्वर कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड. मतलब बहुत सारे कंप्यूटर ना इंटरकनेक्ट आपस में कनेक्टेड हो बट नो कंप्यूटर ऑक्यूपाई अ प्रिविलेज पोजिशन. लेकिन जो कंप्यूटर है ना वो ऑक्यूपाई मतलब नहीं कर प्रिविलेज पोजिशन मखसूस पोजिशन. द नेटवर्क इज यूजली रेफरेंस टू एस पी टू पी नेटवर्क. इट इज़ इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर एवरी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद ऑल द अदर मशीन. जो कंप्यूटर जो है ना वो ऑल द अदर मशीन ऑफ द नेटवर्क करेंगे बट इन जनरल ईच वन स्टोर इट्स ओन फाइल एंड रन इट्स ओन एप्लीकेशन. और जनरल में मतलब हर कंप्यूटर अपना ओन स्टोर करेगा फाइल्स और अपनी प्रोग्रामिंग खुद रन करेगा. मतलब ना बहुत सारे कंप्यूटर एक फार्म में कनेक्टेड हो गए और इस फार्म में ये है डिवाइसेस है. अब ये लैपटॉप था ये हमारे पास है तो ये इससे कनेक्ट है ये इससे कनेक्ट है ये कनेक्ट है ये इससे कनेक्ट है और सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है. ये जो कनेक्शन होते हैं इसे हम पीर टू पीर कहते हैं. ये हमारे पास मतलब इसकी जो पोजीशन होती है प्रिविलेज नहीं होती रैंडम होती है.
I hope you understand your lecture. Home task. What is difference between sending or receiving device? To sending, receiving or device का क्या फर्क है, आपने ये करना है. और what is difference between transmission device or transmission medium? ये वाला questions. Sending device और receiving device. और ये वाला transmission device और medium. Transmission medium का क्या फर्क है? ये आप लोगों का होम टास्क है. सिंपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग शॉर्ट में आएगा तो आप मतलब टू मार्क्स के लिए ये रेडी करें. नाउ योर डैडी इज रन द रीडिंग, डू एंड मेमोराइज द होम टास्क. एक तो आप लोगों ने होमवर्क करना है, साथ मेमोराइज भी करना है होम टास्क. आई होप यू अंडरस्टैंड योर क्लास वर्क. डू योर होम टास्क विद फुल कंसंट्रेशन. आई विल चेक योर होम टास्क टुमारो. अल्लाह हाफिज़. सब्जेक्ट इन चार्ज मिस नबीला. स्टे होम, स्टे सेफ.